नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम यूपीएससी के लिए पॉलिटी को बेसिकली देखेंगे प्रीलिम्स के जो है नज़रिए से। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हम चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन हमें ये सेटिस्फेक्स जो है नहीं मिल पाता है, सेटिस्फेक्शन कि क्या हमने जो पढ़ा वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। देखिए मेंस के लिए यूपीएससी ने ऑफिशियली हमें बता रखा है कि वो मेंस में कौन कौन से टॉपिक पूछेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, यूनिट वाइज मैंने बता रखा है आपको कि कौन कौन से टॉपिक पूछेगा। लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी हमें जानना ज़रूरी रहता है। देखिए प्रीलिम्स के लिए जो है ना, बेसिकली जो मेंस का है ना उसका ही वही मेंस जो है प्रीलिम्स में पूछते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें प्रीलिम्स में जो है थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जबकि मेंस में जो है थोड़े भावात्मक गुणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो देखिए बेसिकली मेंस के लिए आते हैं, और साथ ही मैं आपको ये सोर्स भी बताऊंगा कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से करें। जो है मैं ऑफिशियली बताऊंगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ना ही मैं कोई बुक के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ होगी ना तो पॉलिटी में बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, विशेषकर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो। देखिए सबसे पहले हमें भारतीय राज व्यवस्था और शासन और संविधान को देखना है। देखिए भारतीय राज व्यवस्था क्या है, शासन क्या है, संविधान क्या है, इसके लिए ऑलरेडी हमारे, अब देखिए मैं आपको बता दूं, 30 से 35 लेक्चर्स ऐसे होंगे, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें हम ये राजनीतिक प्रणाली क्या है, लोक नीति क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप केवल ये समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो पहला हमें ये देखना है राज्य व्यवस्था, शासन और संविधान। दूसरा जो है वो हमें देखनी है राजनीतिक प्रणाली क्या है। तीसरी हमें देखनी है पंचायती राज क्या है। चौथा हमें देखना है लोक नीति क्या है, और छठा हमें देखना है अधिकारों संबंधित मुद्दे क्या है। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो प्रीलिम्स में आपकी पॉलिटी पर पकड़ हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस बता रखी है शायद, लेकिन आप ये फोटो देख सकते हो जिसमें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है कि प्रीलिम्स का कब कितना बजट रहा है पॉलिटी में जो है प्रीलिम्स में। अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना। देखिए मैं आपको दो वेबसाइट बता रहा हूँ, एक तो PIB और एक होगी PRS। ये दो वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जो करंट अफेयर्स करेंगे ना वो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, उसमें किसी भी तरह से ऐसे नहीं होगा कि वो अलग हैं, नहीं, वो आपको यहाँ से पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स के लिए सिलेबस था जो मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पंचायती राज को अलग से डिनोट किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, जबकि आप मेंस का पूरा सिलेबस देख लीजिए कहीं पर पंचायती राज अलग से नाम नहीं लिखा गया है, वहाँ मेंस में केवल स्थानीय शासन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस अलग से बताया है। तो यह प्रीलिम्स के लिए था। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सभी के जानने चाहते हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब।